वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सिंक्रोनस जनरेटर है या सिंक्रोनस मोटर है वो किस किस कंडीशन में पावर को डिलीवर करेगी, किस किस कंडीशन में पावर को एब्जॉर्ब करेगी। तो पहला हम केस ले लेते हैं फॉर अल्टरनेटर या फॉर जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी अपॉन एक्स ई ए कॉस डेल्टा माइनस वी टी। ये है रिएक्टिव पावर का इक्वेशन फॉर सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर। इसको ले लीजिए इक्वेशन वन। तो आपके सामने अगर ऐसा केस मिल रहा है, केस वन, कि ई ए कॉस डेल्टा की जो वैल्यू है वो बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से, या मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए ले लेते हैं, साइन यहां पे मैटर नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड लेके चलना है। तो अगर ई ए कॉस डेल्टा ग्रेटर है वी टी से तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, मतलब ई ए की जो वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ये होगी ओवर एक्साइटेड कंडीशन। तो चलिए, ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू अगर टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो रिएक्टिव पावर है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ क्यू है, वो जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है, तो जीरो से बड़ी है। और जब भी रिएक्टिव पावर जीरो से बड़ा होता है, पावर फैक्टर हमारा कैसा होता है, लैगिंग, राइट। तो अब तक का पूरा कंक्लूजन क्या निकला, कि कोई भी जनरेटर अगर उसे ओवर एक्साइट करते हैं तो वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर या लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर हमेशा पावर को डिलीवर करता है। तो इस तरह याद रखिएगा, फॉर दिस कंडीशन जनरेटर डिलीवर लैगिंग क्यू। जनरेटर जो है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। तो अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा है तो लीडिंग रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जस्ट उल्टा। तो जनरेटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर, यह आ गया होगा समझ में आपको। चलिए देखते हैं केस टू। केस टू, जब ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू कम होगी टर्मिनल वोल्टेज से, तो ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू कम है, यह कौन सी कंडीशन होती है, यह होती है अंडर एक्साइटेड कंडीशन। ये अंडर एक्साइटेड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी, क्यू की वैल्यू होगी लेस देन जीरो, और क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब पावर फैक्टर है लीडिंग। जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर हमेशा पावर को डिलीवर करता है। तो इस केस में, यानी कि अंडर एक्साइटेड कंडीशन में, जनरेटर डिलीवर लीडिंग क्यू। अब जनरेटर लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इट विल एब्जॉर्ब लैगिंग क्यू। सही है। तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन हमने देख लिया, ओवर एक्साइटेड की कंडीशन हमने देख लिया। केस थ्री देखते हैं, क्रिटिकली एक्साइटेड की कंडीशन। केस थ्री, जब ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू बराबर हो जाए टर्मिनल वोल्टेज की, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर वाला इक्वेशन, किस इक्वेशन से, क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो।
ये कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी जब मशीन हमारी क्रिटिकली एक्साइटेड है, क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन। तो क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन में क्या हो रहा है, मशीन का रिएक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे रिएक्टिव पावर आप देख सकते हो क्या हो गया है, जीरो। सो मशीन विल नीदर डिलीवर नॉर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये तो था जो केसेस हमने देखे, ये देखे हमने जनरेटर के लिए। अब हम देख लेते हैं मोटर की केसेस। फॉर मोटर, फॉर सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर के लिए रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी अपॉन एक्स, वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे हमारा केस वन बनता है जब ई ए कॉस डेल्टा ग्रेटर देन हो टर्मिनल वोल्टेज की। तो अगर ई ए कॉस डेल्टा टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा है तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ओवर एक्साइटेड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर ये cos delta की वैल्यू बड़ी है Vt से तो रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। और कभी भी रिएक्टिव पावर नेगेटिव में है, लेस देन जीरो है, तो पावर फैक्टर होगा हमारा लीडिंग। तो यहां से कॉन्क्लूजन हमारा क्या निकल के आ रहा है, व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड, मोटर क्या काम करती है, पावर को एब्जॉर्ब करती है, देन द सिंक्रोनस मोटर विल एब्जॉर्ब लीडिंग क्यू, मोटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर। एंड ऑल्सो अगर लीडिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रही है तो लैगिंग क्यू को क्या करेगी, लैगिंग रिएक्टिव पावर को वो डिलीवर करेगी। करेक्ट है। केस टू देखते हैं, गलत नहीं होगा आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाद। केस टू, जब ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू कम है टर्मिनल वोल्टेज से, तो ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू कम है मतलब कंडीशन हमारी अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड। और जब ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू कम है, वी टी की वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्टिव पावर यानी कि क्यू का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और अगर Q ग्रेटर देन जीरो है तो पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग। मोटर पावर को एब्जॉर्ब करती है, तो मोटर इन दिस कंडीशन यानी कि फॉर अंडर एक्साइटेड मोटर, मोटर विल एब्जॉर्ब कौन सा रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर, लैगिंग Q या डिलीवर लीडिंग क्यू। करेक्ट। अब केस थ्री मुझे बताइएगा, क्रिटिकली एक्साइटेड की कंडीशन में क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। जब ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू बराबर हो जाए टर्मिनल वोल्टेज के, तो कौन सा रिएक्टिव पावर मोटर जनरेट करेगा या डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ये थर्ड केस का आंसर क्या होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, सब कुछ मैंने करवा दिया है। आप एक टेबल बना लीजिए अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो इक्वेशन याद कर लीजिए, रिएक्टिव पावर फॉर अल्टरनेटर और रिएक्टिव पावर फॉर मोटर की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। प्लस दो चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर रिएक्टिव पावर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो है तो पावर फैक्टर हमारा कैसा होता है, लीडिंग। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
वेरी मच।